अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको फ्रेकल शैडो के लिए कैसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसको छोड़ने के बाद भी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं इसमें आपको नीम एपिकिन ब्यूटी डिशनों की तरह एसटीटी पर रिकमेंड नहीं करूंगा, जिसको मिस करने से, लगाने से स्किन ऊपर से उतरती है, स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। आम लोग समझते हैं कि शायद फ्रैकल उतर गई है, मगर वो फ्रैकल नहीं उतरती, वो आपकी स्किन के ऊपर वाला हिस्सा उतरता है। तो मैं आपको ऐसी ट्यूब पे रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये सिर्फ फ्रैकल ही खत्म करेगा, बल्कि ये आपकी स्किन को व्हाइट करने के लिए, आपकी रंगत को व्हाइट करने के लिए, दाग धब्बों के लिए, आंखों के हलकों के लिए भी बेहतरीन फार्मूला है। मैं हूं अब्दुल्ला रिसर्चर, ब्यूटी एक्सपर्ट, डिप्लोमा होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीवर्क बाय अब्दुल्ला चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको तो मेरी तमाम वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 7 अदद क्रीमें हैं, 2 वाइटनिंग कैप्सूल और 1 सीरम है। और ऐसी कोई भी ट्यूब नहीं है जो स्किन को उतारती है, जो स्किन के ऊपर वाले हिस्से को डैमेज करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं फेस ब्रश क्रीम, ये वाली। इसके बाद दूसरी क्रीम है स्टिलमैन फ्रैकल क्रीम, रेड कलर वाली, रेड पैकिंग वाली। तीसरी क्रीम मैं शामिल कर रहा हूं मीना क्रीम। इसके बाद चौथी क्रीम कैले। पांचवी क्रीम रेगुलर आर्ची। छठी क्रीम स्किन व्हाइट क्रीम। सातवीं क्रीम फेयर लवली हर्बल क्रीम। वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा शख्स हूं कि हम साथ में बताते हैं कि ये फ्रैकल फार्मूला या फ्लाम वाइडनिंग फार्मूला, फ्लाम पिंपल के लिए फार्मूला जो है वो किस तरह की स्किन के लिए बेहतर है, किस तरह की स्किन पे ज्यादा दर्द देगा, किस तरह की स्किन पे कमर दर्द देगा, किस तरह की स्किन पे लगाना मुनासिब नहीं है। तो ये सारी चीजें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ। तो आप जो वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इसके बाद मैं शामिल कर रहा हूँ व्हाइटनिंग कैप्सूल 2 अदद। एक बात इसके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि व्हाइटनिंग कैप्सूल जो है वो बहुत ज्यादा उसकी 2 नंबरी है। मैंने उसकी पहचान एक वीडियो में भी बताई थी। अगर आपको यकीन हो कि ये व्हाइटनिंग कैप्सूल आपको ओरिजिनल मिले हैं तो फिर आप इसके अंदर शामिल करने हैं, वरना इसको छोड़ दें। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं हमसे परचेज करना, ये ओरिजिनल चीजें खरीदना, पाकिस्तान के किसी भी शहर, गांव, गली से आपका ताल्लुक हो, आपको घर बैठे ये चीजें बजरिया डाक मिल सकती हैं, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपका ब्यूटी के हवाले से कोई मसला है, बालों के हवाले से, चेहरे के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जितने कमेंट्स ज्यादा होते हैं, जो डिमांड ज्यादा होती है, स्टेप टू स्टेप उस तरह हम वीडियो क्रिएट करते हैं। मैं कोशिश करके स्क्रीन पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, मोबाइल पे कॉल ना कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है ये। तो आप मुझे ऑर्डर करके घर बैठे ये चीजें बद्रिया डाक हासिल कर सकते हैं। पैसे हम एडवांस लेते हैं क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूबर भी हूँ, हमें और भी बहुत सारे कामों को देखना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत दे सके। कस्टमर के कहने पे हमने डिलीवरी की सहूलत दे दी है। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों, गांव, गलियों में अल्हम्दुलिल्लाह माल हमारा जा रहा है, तो आप भी घर बैठे ये चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद
बायोकास का सीरम, वाइटनिंग सीरम। ये हमने इसमें 9 चीजें शामिल कर ली हैं, वो अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। बहुत प्यारी खुशबू भी बनेगी इन क्रीमों की मिक्स होके, कलर भी बहुत प्यारा पिंक सा कलर होगा इस क्रीमों का, और ये मतलब काफी मुकदार बन गई है, काफी अच्छा आपकी ये क्रीम चलेगी। तो इंशाल्लाह इसको लगाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं किस तरह की स्किन पे ये फार्मूला बेहतर रहेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है या खुशक है, आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मगर याद रखें, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर आपको नाइट क्रीमों की आदत नहीं है, फिर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उनके लिए अलग से वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब तरीका इस्तेमाल क्या है इसका, रात को किसी भी अच्छे फेस वॉश साबुन से इसको धोएं, क्रीम को लगाएं, जैसे मैं अभी लगा के चेक करवाता हूँ। लगाने के बाद इसको थोड़ा जज़ब कर दें, मसाज नहीं करते रहना, जैसे मसाज करते हैं लोग, मसाज करना शुरू कर देते हैं, मसाज नहीं करना, बस स्किन के अंदर क्रीम को जज़ब कर लेना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो,